अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने ना 3 टेबलस्पून बटर ले लिया, और ये मैंने ना तकरीबन 3 से 4 कलियाँ ले ली हैं लहसुन की, और मैंने इसे ना छुरी से चॉप कर ली है। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं थोड़ा सा ना तकरीबन 2 पिंच ना सॉल्ट डालूँगी। ये हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, और कुछ मैं ब्लैक पेपर डालूंगी, और कुछ मैं ना रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी, और ये थोड़ा सा मैं ना धनिया, मैंने ना ये कटिंग करके ना फ्रीज किया हुआ, ये मैं डाल दूंगी, और हम इसे ना मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम गार्लिक ब्रेड बना। अच्छा व्यूअर्स, से जब बस ये मैंने ब्रेड का पीस ले लिया, और ये मैंने ना इसके ऊपर बटर लगा दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं। बटर आप जितना भी आपको पसंद है आप उतना लगा लें। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी, ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, और मैंने इसको ना खुद ही क्रश किया है, मतलब इस तरह की भी मार्केट से मिल जाती है, लेकिन मेरे पास दूसरी थी और मैंने उसको खुद ही ना ग्रेट कर लिया। ये हम थोड़ी ऊपर डालेंगे। अच्छा भी बस, ये मैं ना मोज़रेला चीज़ के ऊपर ना थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, इससे एक टेस्ट अच्छा हो जाएगा और एक खूबसूरती भी हमारी आ जाएगी। व्यूअर्स, ये मैंने बाकी ब्रेड के पीसों के ऊपर भी जो मैंने मक्खन बटर में गार्लिक वगैरह सारे मसाले तैयार करके रखा हुआ था वो भी मैंने इस पर लगा दिया, और ये हम ना अपनी मोज़रेला चीज़ जो है ये भी उस पर लगाएंगे। मैंने कहा सबको इकट्ठा तैयार करके हम लोग फिर पैन में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन व्यूअर्स आपको ये पसंद आएगी, बहुत आसान सी रेसिपी है ये, तो कोई बच्चा भी बना सकता है इसे, तो बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। जब आपका दिल चाह रहा है, भूख लगी हुई है, आप फटाफट ये बना लें। ये बच गई है तो मैंने कहा सारी डाल देती हूँ। अब हम थोड़ी सी ऊपर रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो उन्होंने काट सूखे चीज़ में। अच्छा भी बस, ये मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, और फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ था कि हमारा प्री हीट हो जाए, हमारी टाइम की बचत हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखती हूँ कि इसमें हमारे कितने पीस आ जाएंगे। सेटिंग से रखते हैं, उम्मीद है कि हमारे 4 पीस आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। ये देखिए हमारे आ गए। मैं थोड़ी सी जगह बनाऊंगी कि हमारे जो है ना अच्छी तरह। बस मैंने फ्लेम ना बिल्कुल लो रखा हुआ है, मतलब दम से थोड़ा सा ज़्यादा, और मैं इसको ना कवर कर देती हूँ ताकि हमारे जो है ना ये चीज़ भी पक जाए, और हमारे जो ब्रेड है ना वो भी नीचे से सेक जाए। अच्छा व्यूअर्स, देखें ये हमारे ना जो गार्लिक ब्रेड को ना तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और मैंने फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ, और ये हमारी ब्रेड हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इनको अपनी प्यारी सी प्लेट में निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, मैं निकाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो है गार्लिक ब्रेड तैयार हो गई है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें थोड़े से ना, देखें माशाल्लाह,
बहुत ज़बरदस्त। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं।